नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। नई सुबह इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ब्यूटी टिप्स के साथ मैं हूँ नातिया सबा। आज की पॉकेट फ्रेंडली और इफेक्टिव रेमेडी ऑल इन वन काइंड ऑफ रेमेडी है। हम परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रेज और डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल डेली बेसिस पर करते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें इनके इस्तेमाल के बावजूद समटाइम एम्बैरेसिंग सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। और अगर एंटी पर्सपेंट्स की बात की जाए तो इनका इस्तेमाल किसी हद तक इफेक्टिव तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये पोर्स को भी ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से स्किन के और काफ़ी सारे इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि सारा दिन सॉक्स पहनने के बाद जब वो सॉक्स उतारते हैं तो उनके पैरों से आने वाली बैड स्मेल ना सिर्फ उनके लिए एम्बैरेसिंग होती है, बल्कि इसके साथ साथ वहाँ मौजूद दूसरे लोगों के लिए काफ़ी इरिटेटिंग भी हो जाती है। और अगर फील्ड वर्क हो और बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ हों तो ना तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं और इसके साथ साथ आपको एम्बैरेसिंग सिचुएशंस भी फेस करना पड़ती हैं। सो आज की रेमेडी को ट्राई करें, जिसमें आपके सिर्फ 10-20 रुपीस खर्च होंगे, लेकिन इसके इस्तेमाल के बाद आप बहुत अच्छा फील करेंगे। फिटकरी या अलम, इसका एक छोटा सा पीस लीजिए जो कि आपको पंसार शॉप से बआसानी 10 या 20 रुपये में मिल जाएगा, और अपने वॉशरूम में रखें। और शावर लेने के बाद आर्मपिट्स और उन बॉडी पार्ट्स पर जहां बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, फटकरी के पीस को गीला करके रख करें और 24 घंटे के लिए बैड स्मेल और ओडर को भूल जाइए। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए सॉक्स पहनने के बाद पाँव से आने वाली स्मेल को दूर करने के लिए फटकरी का एक पीस लीजिए और इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। इसके बाद ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह ग्राइंड कर लें और फिर मलमल के किसी बारीक से कपड़े में एक दफ़ा छान लें ताकि एक फाइन पाउडर आपके पास आ जाए। अब पिसी भी फटकरी को किसी भी टैल्कम पाउडर में डालकर रख लें। पाँव को अच्छी तरह वॉश करें और ड्राई करने के बाद ये टैल्कम पाउडर अपने पैरों पर अच्छी तरह अप्लाई कर लें, स्पेशली उंगलियों के दरमियान के एरिया पर अच्छी तरह अप्लाई कीजिए। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद सारा दिन सॉक्स पहनने के बावजूद पाँव से स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि फटकरी अपनी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से बैड स्मेल प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरियाज की ग्रोथ को कंट्रोल करती है। ये रेमेडी किसी भी सीजन में इस्तेमाल की जाती है और स्पेशली समर सीजन्स में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये तो थी आज की रेमेडी। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगेबान। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।